क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 के सेकंड वीडियो है। चैप्टर 9 का ये सेकंड वीडियो है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस क्या है? यह कांच का बना होता है। लेंस जो होता है कांच का बना होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। लेंस से हम पहले से ही परिचित हैं। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, एक ये अवतल लेंस का चित्र है और बगल में उत्तल लेंस का चित्र है। अब दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अवतल लेंस की शक्ति तथा फोकस दूरी दोनों माइनस होती है, लेकिन उत्तल लेंस की शक्ति तथा फोकस दूरी दोनों प्लस होती है। उत्तल लेंस का ऊपरी सिरा तथा निचली सिरा पतला और बीच वाला भाग मोटा होता है, लेकिन अवतल में ऊपर तथा नीचे वाला भाग मोटा और बीच वाला भाग पतला होता है। चित्र में दिख रहा है। पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति को पी से सूचित करते हैं। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर को कैपिटल डी से सूचित करते हैं। पी बराबर फार्मूला होता है 100/f, यह CMS का आंसर हुआ। और पी बराबर फार्मूला होता है 1/f, ये मीटर में। यदि कोई सवाल मीटर में हो तो उसको 1/f से बनाएंगे, कोई सवाल CM में हो तो उसको 100/f से बनाएंगे। इसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में दिया हुआ है P1 बराबर 5 डायोप्टर, कॉन्केव लेंस में बनाएंगे तो P2 बराबर हो जाएगा -3 डायोप्टर दिया है। तो P बराबर P1 प्लस P2 दोनों का मान भरेंगे घटाएंगे तो 2 डायोप्टर आ जाएगा। इस तरह सवाल जगह हम बना सकते हैं। अगला सवाल, कॉन्वेक्स में P1 का मान दिया है, P2 का मान दिया हो तो P बराबर P1 प्लस P2 5+3 बराबर 8 डायोप्टर। इसी तरह P बराबर 100/FCM या 1/FCM, ये दोनों फार्मूला होता है पावर ऑफ लेंस का। F बराबर 50 CM दिया हो, P बराबर वाट दिया हो, P का मान निकाल सकते हैं। CM दिया तो CM का फार्मूला लगाएंगे 100/F, तो 100/50 काटेगा तो 2 डायोप्टर आंसर। यदि F का मान 1 है, CM और P निकालना हो तो इस तरह बनाएंगे तो आ जाएगा 0.1 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 75 CM है, इसकी क्षमता निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? CM में दिया हुआ है तो 100/f का फॉर्मूला सब बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा 6/3। अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 CM हो, इसकी क्षमता निकाले तो इसको भी इस तरह बनाएंगे तो 10 आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, 25 CM फोकस दूरी के उत्तल लेंस तथा 50 CM के फोकस दूरी के अवतल लेंस को जोड़ा गया है तो संयुक्त लेंस की शक्ति निकालना है। तो F बराबर हो जाएगा F1 + F2, F1 और F2 का मान लिख के जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75 CM है, इसलिए इसको CM वाला फॉर्मूला लगाएंगे। P बराबर 100/75 कट करेंगे तो आ जाएगा 4/3 डायोप्टर आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन है जो सिद्ध करने के लिए आता है एग्जाम में, ध्यान से देखिए। उत्तल लेंस के लिए सिद्ध करें कि डेल्टा बराबर H/F। उत्तल लेंस के लिए सिद्ध करें कि डेल्टा बराबर H/F, जहां डेल्टा विचलन कोण है, H ऊंचाई है लेंस की और F फोकस दूरी है। चित्र जिस तरह बना हुआ है चित्र बना देंगे। ये उत्तल लेंस है, O से Y तक भी दूरी V है, O से X तक दूरी Y है। यहां पे P कोण P X O अल्फा कोण है और कोण P Y O बीटा कोण है और यहां पर ऊपर डेल्टा बना है। चित्र में एक कॉन्वेक्स लेंस दिखाया गया है जिसके आधार का कोण वस्तु एवं प्रतिबिंब के साथ अल्फा तथा बीटा है तथा विचलन कोण डेल्टा है। OP का मान H है, XO का मान U है और YO का मान V है। बहिष्कोण सामने के अंतर कोणों के योग के बराबर होता है, हम जानते हैं, इसलिए डेल्टा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 10α + 10β। त्रिभुज XPO में तो 10α बराबर हो जाएगा -H/U, 10β बराबर H/V। अब डेल्टा का मान निकालेंगे तो 10α + 10β का मान भरेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, H/V - H/U। डेल्टा बराबर H कॉमन करते हैं तो H × 1/V - 1/U। डेल्टा बराबर H/F हो जाएगा, क्योंकि 1/V - 1/U का मान होता है 1/F, तो 1/F का लिखेंगे तो H से गुणा करेंगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा H/F। यही हमको सिद्ध करना था, हम सिद्ध कर दिए। इस सिद्ध करने के सवाल आएगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगला प्रश्न है, दो पतले उत्तल लेंस हटा कर रखे गए हैं तो सिद्ध करें कि 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2। चित्र जिस तरह बना उस तरह बनाएंगे।
चित्र में L1 तथा L2 दो पतले कॉन्वेक्स लेंस हैं जो एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। पहले लेंस के लिए वस्तु का प्रतिबिंब Y पर बनता है, लेकिन दूसरे लेंस के लिए यह प्रतिबिंब C पर बनता है। XO बराबर U, OC बराबर V, OY बराबर V1 लेंस के सूत्र से फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हम 9th-10th में ही पढ़े थे। 1/V-1/U=1/F। पहले लेंस के लिए U होगा V=V1, F=F1। मान पुट करेंगे तो ये सब व्यंजक आएगा 1/V-1-1/U=1/F1। इसको फर्स्ट मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे। दूसरे लेंस चलेंगे, V को V मानेंगे, U को V1, F को F2। मान पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/V=1/V1=1/F2। इसको समीकरण दो मान लेंगे। अब समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 1/V1 1/V1 एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा। LHS को LHS से जोड़ेंगे, RHS को RHS से जोड़ेंगे, हमारा अंत में आंसर आएगा 1/V-1/U=1/F। तो 1/F ले देंगे, 1/V के जगह पे 1/V F1 आप प्लस 1/F2 बटा जो बनाते हैं तो हो जाएगा F=F1×F2/F1+F2। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ऊपर वाला भी सिद्ध करना होगा तो ऊपर वाला भी आप सिद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतुल्य लेंस क्या है, इसके फोकस दूरी का व्यंजक निकाले या सिद्ध करें कि 1/F=1/F1+1/F2-1/D/F1×F2। आंसर देखना है, यदि दो लेंस को जोड़ा जाए तो इसकी क्षमता जितनी हो उतनी क्षमता अकेले लेंस की हो तो इस अकेले लेंस को दोनों लेंस का समतुल्य लेंस कहा जाता है। यह उतनी दूरी पर तथा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जो अकेले लेंस बनाता है। चित्र में L1 और L2 दो लेंस है, चित्र में दिया हुआ है, इनके बीच की दूरी d है। XY प्रधान अक्ष है, दो का प्रकाश केंद्र क्रमशः O1 O2, फोकस दूरी क्रमशः F1 F2 तथा ऊंचाई H1 H2 है। पहले लेंस का विचलन कोण Δ1, दूसरे लेंस का Δ2। L एक समतुल्य लेंस के लिए इसकी फोकस दूरी F, प्रकाश केंद्र O, ऊंचाई H तथा विचलन कोण Δ है। समूह कोण बराबर होते हैं, Δ2=Δ2। त्रिभुज पी क्यू आर में Δ=Δ1+Δ2, Δ=H/F, Δ2=H2/F2, Δ1=H1/F1। मान पुट करेंगे H/F=H1/F1+H2/F2। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। चित्र में एच जो है H1 के बराबर है, इसलिए एच जगह पर हम H1 भी लिख सकते हैं या H1 जगह पर हम H भी लिख सकते हैं। त्रिभुज पी ओ वाई, त्रिभुज पी ओ पी ओ वन वाई तथा त्रिभुज पी ओ टू वाई में दोनों समरूप त्रिभुज है, भुजाएं समानुपाती होगी। H1/F1=H2/F2, जहां F2 हो जाएगा F1-D, H1/F1=H2/F1-D। मान पुट करते हैं तो आएगा हमारे आंसर H2=H1×F1-D/F1। इस समीकरण दो हो गए, समीकरण एक और दो का मान रखेंगे तो मान रखने के बाद हमारे व्यंजक आ जाएगा, H कट जाएगा, 1/F=1/F1+1/F2-1/D/F1×F2 सिद्ध हो गया। इस तरह हम सिद्ध करेंगे तो हमको 5 मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म क्या है। प्रिज्म को हम त्रिपार्श्व भी कहते हैं, ध्यान सुनना है। तीन भुजाओं से बने कांच को त्रिभुज कहते हैं। हम मैथ में पढ़ चुके हैं तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग है। तीन भुजाओं से बने कांच की को प्रिज्म कहते हैं, तीन भुजाओं से बने कांच को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म को हम हिंदी में त्रिपार्श्व भी कहते हैं। यदि सूर्य की किरण किसी प्रिज्म से पास करती है तो वह 7 रंगों में टूट जाती है, इसे ही वर्णपट कहते हैं। चित्र में दिया हुआ है, इसके लिए एक सूत्र भी होता है, भिवजी और या बजानी हपिनाला।
यदि सूर्य को की प्रकाश को यदि सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से पास कराई जाए तो वह सात रंगों में टूट जाती है, लेकिन टूटने से पहले यह अपने रास्ते से विचलित होती है। इस कोण को विचलन कोण कहा जाता है, इसे डेल्टा से सूचित करते हैं। यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ भी सकता है कि वह लाल रंग बैंगनी रंग और पीला रंग पर ही विचार किया जाता है जो क्रमशः ऊपरी निचले तथा बीच का किरण है। दृश्य सीमा के अलावा जो ऊपर वर्णपट होती है उसे अवरक्त तथा जो नीचे होती है उसे पराबैंगनी किरण कहा जाता है। ये दोनों नग्न आँखों से दिखाई नहीं देती है। इस तरह वर्णपट स्पेक्ट्रम जो होता है दो प्रकार का होता है, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट किसे कहते हैं? शुद्ध वर्णपट में इसका सभी रंग अलग अलग होता है, लेकिन अशुद्ध वर्णपट में इसका सभी रंग अलग अलग नहीं होता है, एक रंग दूसरे को ढकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोणीय विचलन क्या है? बैंगनी किरण का विचलन कोण सबसे अधिक होता है तथा लाल किरण का विचलन कोण सबसे कम होता है। दोनों के अंतर को ही कोणीय विचलन कहा जाता है, डेल्टा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। नेक्स्ट टॉपिक है, विक्षेपण क्षमता क्या है? विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से सूचित करते हैं। ओमेगा बराबर कोणीय विचलन बटा माध्य किरण का विचलन, डब्लू बराबर ओमेगा सॉरी ओमेगा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा वाई। इस तरह चुचाई के समीकरण से डेल्टा वी बराबर म्यू 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 भी माइनस वन इंटू ए, डेल्टा आर बराबर म्यू आर माइनस वन इंटू ए, डेल्टा वाई बराबर म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, तो ओमेगा का मान लिख देंगे। मान लिखने के बाद पुट करेंगे, कट करेंगे, कट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस वन। इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे। अगला पॉइंट है, क्रोमैटिक एग्रेशन क्या है? ध्यान से देखिए, क्रोमैटिक एग्रेशन को हिंदी में रंगीन विवर्तन कहते हैं। यदि किसी लेंस से प्रकाश की किरण पार करे तथा रंगीन प्रतिबिंब बनावे उसे रंगीन विवर्तन कहते हैं। यह एक प्रकार का दोष है, इसे दूर करने के लिए एक से अधिक लेंस को लाइन से जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट है, अशुद्ध वर्णपट को शुद्ध मैं कैसे बोला बदला जा सकता है? ये दोनों में सवाल आ सकता है। इसके लिए दो उत्तल लेंस लिया जाता है। पहले लेंस को स्रोत और प्रिज्म के बीच रखा जाता है तथा दूसरे लेंस को प्रिज्म और पर्दा के बीच रखा जाता है। इस तरह हम अशुद्ध वर्णपट को शुद्ध वर्णपट में बदलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एटॉमिक वर्णपट क्या है? आंसर, इसे रेखिल वर्णपट भी कहते हैं। यह वर्णपट तभी पाया जाता है जब पदार्थ परमाणु के अवस्था में होता है, और यह दो प्रकार का होता है, अवशोषण वर्णपट, उत्सर्जन वर्णपट। तो अवशोषण वर्णपट में काली रेखाएं होती है, लेकिन उत्सर्जन वर्णपट में चमकीली रेखाएं होती है, काली रेखाएं नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आण्विक वर्णपट क्या है? तो इसे पट्टी वर्णपट या बैंड वर्णपट भी कहते हैं। यह वर्णपट अनेकों रेखाओं के संयोग से बनता है। यह वर्णपट या तो अवशोषण वर्णपट होता है या फिर उत्सर्जन वर्णपट होता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन, विचलन रहित वर्णपट क्या है? क्वेश्चन बहुत टॉप है, एग्जाम में आता रहता है। विचलन रहित वर्णपट क्या है? यदि किसी प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाए कि विचलन ना हो लेकिन वर्ण विक्षेपण हो, यदि किसी प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाए कि विचलन ना हो लेकिन वर्ण विक्षेपण हो, इसे ही विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसके लिए दो प्रिज्म का होना आवश्यक है, दोनों को एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, दोनों विभिन्न प्रकार के कांच का बना होना चाहिए। चित्र में दो प्रिज्म दिया हुआ है, एक सीधा है तो एक उल्टा है। चित्र में दो प्रिज्म दिखाए गए हैं, पहला प्रिज्म फिलिमिड तथा दूसरा क्राउन ग्लास का बना है। इसका विचलन कोण पहले प्रिज्म के क्रमशः डेल्टा आर डेल्टा वाई तथा डेल्टा भी है तथा दूसरे प्रिज्म के लिए डेल्टा वन आर डेल्टा वन वाई डेल्टा वन भी है।
पहले प्रिज्म का कोणीय विचलन हो जाएगा डेल्टा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तथा दूसरे प्रिज्म के लिए कोणीय विचलन हो जाएगा डेल्टा वन बराबर डेल्टा वन वी माइनस डेल्टा वन आर। तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बराबर डेल्टा वन वी माइनस डेल्टा वन आर, दोनों का मान जीरो के बराबर होगा, जीरो के बराबर कर दिए, यहाँ माइनस के चिन्ह में गलती से लिखा गया बराबर चिन्ह, ये माइनस में हो जाएगा, तो प्लस में डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बराबर डेल्टा डैश वी माइनस डेल्टा डैश आर, दोनों इक्वल हो गया। दोनों में से अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, मान भरते हैं, मान भरेंगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए बराबर म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश। अब इसको ऊपर जो समीकरण दिया हुआ है समीकरण में पुट करेंगे और कट करेंगे, कट करने के अंत में क्या आंसर आ जाएगा, ए बाई ए डैश बराबर ओमेगा बाई ओमेगा डैश इंटू म्यू डैश इंटू माइनस म्यू डैश वाई माइनस वन बटा म्यू डैश म्यू म्यू वाई माइनस वन, यही की समीकरण है, यही समीकरण है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है, यदि दो प्रिज्म को इस प्रकार जोड़ा जाए कि इसमें वर्ण विक्षेपण ना हो केवल विचलन हो, यदि दो प्रिज्म को इस प्रकार जोड़ा जाए कि इसमें वर्ण विक्षेपण ना हो केवल विचलन हो, उसे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहते हैं। इसके लिए दो प्रिज्म को एक दूसरे के विपरीत रखा जाता है तथा दोनों विभिन्न प्रकार के कांच के बने होते हैं, इसमें केवल माध्य किरण दिया जाता है। चित्र में जिस तरह दिया हुआ उस तरह चित्र बनाएंगे, दो प्रिज्म है, दोनों प्रिज्म एक दूसरे के उल्टे हैं, चित्र में दो प्रिज्म दिखाए गए हैं, इसमें केवल माध्य विचलन होता है, दोनों का अपवर्तनांक कोणीय ए तथा ए डैश है। पहले प्रिज्म के लिए माध्य किरण का विचलन कोण डेल्टा वाई बराबर हो जाएगा म्यू वाई माइनस वन इंटू ए, दूसरे प्रिज्म के लिए माध्य किरण का विचलन कोण हो जाएगा डेल्टा डैश वाई बराबर म्यू डैश वाई माइनस वन इंटू ए डैश, डेल्टा वाई जो होगा डेल्टा डैश वाई के बराबर होगा, मान पुट करेंगे, कट करेंगे, बटा करेंगे, हमारे आंसर इतना आ जाएगा। इस तरह हम सिद्ध करेंगे तो हमको मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करने के लिए सवाल आएगा, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू बाई साइन ए बाई टू, सिद्ध करना होगा। चित्र बनाएंगे इस तरह, चित्र में एक प्रिज्म दिखाया गया है, इसके लिए आपतन कोण आई वन एवं आई टू है, परावर्तन कोण आर वन तथा आर टू है, विचलन कोण डेल्टा, अपवर्तक कोण ए। यह दो त्रिभुज तथा एक चतुर्भुज बनाता है, त्रिभुज पी क्यू आर में आर वन प्लस आर टू प्लस कोण पी क्यू आर का मान जो होगा 180 डिग्री होगा, आर वन प्लस आर टू बराबर 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर जगह प्लस में उधर जगह तो माइनस में, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अगला है, त्रिभुज पी आर एन में डेल्टा बराबर आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू, इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा बराबर आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू, इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे। चतुर्भुज पी क्यू आर एम में चलेंगे तो ए प्लस कोण पी क्यू आर को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, ए बराबर 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर, इसको समीकरण थर्ड मानेंगे। और एक और तीन से चलेंगे तो आर वन प्लस आर टू बराबर ए, यदि आर वन बराबर आर टू बराबर आर हो तो आर प्लस आर बराबर ए, टू आर बराबर ए, आर बराबर ए बाई टू, इसको समीकरण फोर मानेंगे। समीकरण दो और चार का मान रखेंगे, मान रखेंगे डेल्टा बराबर आई वन प्लस आई टू माइनस ए, आई वन प्लस आई टू बराबर ए प्लस डेल्टा एम, आई वन बराबर आई टू बराबर आई टू आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम आई बराबर ए डेल्टा एम बाई टू, इसको समीकरण फाइव मान लेंगे। और म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर से चलेंगे, एस एन एल के नियम से चलेंगे तो जो हमको सिद्ध करना था वो सिद्ध कर देंगे। इस तरह इस सवाल को सिद्ध किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। तो ध्यान से देखिए सामने, मनुष्य का आँख काफ़ी विकसित आँख है, यह अधिक से अधिक अनंत तथा कम से कम 25 सीएम तक वस्तु को स्पष्ट देखता है। इसके अलावा बाएं दाएं ऊपर नीचे के वस्तु को आंख स्पष्ट से देख
पाता है। इसके अलावा रंगीन प्रतिबिंब, इसके अलावा रंगीन प्रतिबिंब भी आँख पर बनता है। मनुष्य के आँख में व्यवस्था की स्पष्ट क्षमता होती है। इसके अलावा पूरे वस्तु का प्रतिबिंब एक बार में ही बनता है। जो प्रतिबिंब आँख के रेटिना में बनता है वह आभासी और उल्टा होता है, जिसे ब्रेन में दृष्टि पाली के द्वारा सीधा करके देखा जाता है। मनुष्य के आँख में कुल मिलाकर चार प्रकार का दोष होता है। पहला दोष है निकट दृष्टि दोष, इसमें 25 cm की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन अनंत की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी अनंत से कम दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है लेकिन इस दोष में रेटिना के आगे बनता है। यह दो कारणों से दोष होता है। पहला, आँख की फोकस दूरी कम हो जाए या आँख के लेंस का आकार बढ़ जाए तो निकट दृष्टि दोष होता है। याद रखना यह ट्रिकली है। निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखता नहीं है, नज़दीक का दिखता है, और दूर दृष्टि दोष में नज़दीक का वस्तु नहीं दिखता है, दूर का दिखता है। जो खराब होगा वही नहीं दिखेगा। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है, जिसका पावर माइनस होता है। इस तरह चित्र बनाए रखिए। रेटिना है यहाँ पे, यदि ये दोष होता है तो ये जो प्रतिबिंब जो बनता है, देखिए आगे बना है, यहाँ पे आई बना है, निकल दृष्टि दोष आई बना है। इस तरह लेंस के सूत्र से 1/v-1/u = (1/v)(∞), 1/v-1/u = (∞), 1/v-1/v-∞ = (1/f) तो मान पुट करेंगे माइनस डेल्टा बराबर माइनस एफ। एग्जाम्पल देखना है, डेल्टा बराबर 40 cm हो यदि, एफ बराबर माइनस 40 cm, तो पी बराबर 100/40 कर देंगे तो -2.5 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह दूसरा दृष्टि दोष है, जिसका नाम है दूर दृष्टि दोष। इस प्रकार के दृष्टि दोष में अनंत की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन 25 cm की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इससे दूर की वस्तु दिखाई देती है। यह भी दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला, नेत्र गोलक छोटा होने के कारण, और दूसरा, आँख की फोकस दूरी अधिक होती है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जाता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, देखिए चित्र में दिया हुआ है, 1/v-1/u = (1/f)(1/v-1/u = (25), यहाँ पे यू का मान 25 दिया है, बराबर 1/f। मान पुट करेंगे तो 1/25 - 1/d = (1/f), भी का मान डी के बराबर होता है, यहाँ भी लिखा हुआ डी लिख देंगे हम, तो 1/d - 1/d = (1/f), डी का मान 25 cm हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष, यह दोष बुढ़ापा में होता है। जब निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों हो तो उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चौथा दोष है अबिंदुकता। इस प्रकार के दोष में दाएं बाएं ऊपर नीचे की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे पड़ती है। यह बुढ़ापे में आंख घुमाने वाले सिलियरी मांसपेशियों को ढीला पड़ने के कारण होता है। इसे दूर करने के लिए गोलाकार बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में संपूर्ण रूप से वर्णन करना है, ध्यान से देखिए। इसका उपयोग छोटे छोटे वस्तुओं को देखने में होता है। यह उसका आकार बड़ा करके दिखलाता है, जिसे आवर्धन कहते हैं। माइक्रोस्कोप निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, साधारण सूक्ष्मदर्शी यंत्र। इसका आवर्धन क्षमता 500 होता है, सबसे पहले इसी की खोज हुआ था। दूसरा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें दो लेंस होता है, इसकी आवर्धन क्षमता 1000 होती है। तीसरा है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यह कोलाइडर घोल को देखने में उपयोग किया जाता है, इसका आवर्धन क्षमता 1000 होता है। चौथा है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, इसे घुमाकर पठन लिया जाता है, इसकी आवर्धन क्षमता 1000 होती है। पांचवा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ही सबसे विकसित माइक्रोस्कोप है। यह सबसे आधुनिक माइक्रोस्कोप है, इसकी आवर्धन क्षमता 10000 होती है। यह वस्तु को 10 से 12 करके दिखाता है, बाकी दोनों 1000 करके 12 करके दिखाता है, तीनों 1000 12 करके दिखाता है, और पहला जो साधारण माइक्रोस्कोप है वो 512 करके दिखाता है।
पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। यह आंख से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। यदि वस्तु आंख के नज़दीक हो तो दर्शन कोण अधिक होगा, दूर होने पर कम होगा। चित्र में दिया हुआ है। इसका व्यंजक भी है, पी क्यू बराबर वस्तु का आकार, पी डैश क्यू डैश बराबर प्रतिबिंब का आकार, ओ क्यू बराबर यू वस्तु की दूरी, ओ क्यू डैश प्रतिबिंब की दूरी। इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस लिया जाता है। किसी वस्तु को प्रकाश केंद्र और फोकस दूरी के बीच के में रखने पर इसका प्रतिबिंब उसी ओर पीछे बनता है। त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ओ और त्रिभुज पी क्यू ओ में दोनों समरूप है। पी डैश क्यू डैश बराबर पी बाई क्यू और क्यू डैश ओ बाई ओ क्यू। एम बराबर आई बटा ओ बराबर वी बटा यू। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। मान पुट करेंगे लेंस सूत्र के से वन बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर वन बाई एफ। चिन्ह बदल लेंगे तो वन बाई यू माइनस वन बाई वी बराबर वन बाई एफ। दोनों और वी से गुना करने पर तो वी से गुना करेंगे तो वी बाई यू माइनस वी बाई वी बराबर वी बाई एफ। वी से वी कट जाएगा तो वी बाई यू वन माइनस में उधर प्लस में वी बाई यू बराबर वन प्लस वी बाई एफ। वी का मान डी के बराबर होता है तो एम बराबर वन प्लस डी बाई एफ। यही आवर्धन क्षमता का सूत्र है। इस टाइप से सवाल अगर हम बना सकते हैं, जैसे एफ बराबर पाँच ए दिया हो, एम बराबर निकालना हो तो एम बराबर हो जाएगा वन बाई वन प्लस डी बाई एफ। तो वन प्लस डी का मान होता है पच्चीस बटा पाँच कटेगा तो पाँच पचास पाँच एक छः। एम का मान निकल गया छः। इस तरह अगला क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसकी बनावट तथा आवर्धन क्षमता के व्यंजक निकालें। इसके आंसर होगा यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। इसका नाम यौगिक माइक्रोस्कोप इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें दो लेंस होता है, दोनों कॉन्वेक्स होता है। बनावट क्या है, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर। दो उत्तल लेंस एक ही अक्ष पर जुड़े होते हैं। पहला लेंस वस्तु की ओर होता है, इसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, तथा दूसरा लेंस आँख की ओर होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। वस्तु की ओर जो लेंस होता है उसका आकार छोटा होता है, लेकिन आंख की ओर का लेंस का आकार बड़ा होता है। दोनों लेंसों को शीशे के बॉक्स में बंद रखा जाता है, इसे आगे पीछे खिसकाया जाता है, जिसे दंड चक्री विधि कहा जाता है। पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसे इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि वह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करे। इस तरह वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब पी डैश क्यू डैश बनता है। चित्र में दिया हुआ है। एम बराबर कुल आवर्धन क्षमता, एम ओ बराबर ऑब्जेक्ट का आवर्धन क्षमता, एम ई बराबर नेत्रिका का आवर्धन क्षमता, एम बराबर एम ओ गुने एम ई। इसको फर्स्ट मानेंगे, एम ओ बराबर वी ओ बटा ई ओ, एम ई बराबर वन प्लस डी बाई एफ ई, एम बराबर वी ओ बटा ई ओ इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई। यही आवर्धन क्षमता का व्यंजक है। फाइ इन्फिनेटिव के लिए एम बराबर वी जीरो बटा यू जीरो इंटू डी बाई एफ ई। आगे देखेंगे आप मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव आँख क्या है, मनुष्य का आँख काफ़ी विकसित होता है। इसमें निम्नलिखित भाग होता है, जैसे आई लिड, कॉर्निया, प्यूपिल, सिलियरी मस्कल्स, आई लेंस, रेटिना, स्क्लेरा, एक्यूस ह्यूमर, अल्ट्रस ह्यूमर, आइडोपसिन, रोहोडोपसिन। अब बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे। पहला है आई लिड, यह आँख का को ढकती है, इसे पलक कहते हैं। इसका काम धूल कण से आँख की सुरक्षा करना है, यह बाहरी आघात से आँख को बचाती है। दूसरा है स्क्लेरा, आँख के ऊपर एक पतली परत होती है जिसे स्क्लेरा कहते हैं, यह परत आँख को सुरक्षित रखती है। तीसरा है कॉर्निया, यह आँख का तीसरा भाग है, यह उजले रंग का होता है, यह मांसल भाग है जिसे आँख जिसमें आँख रहती है। चौथा है आई लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस आँख में पाई जाती है जिसे आई लेंस कहा जाता है। यह घूमती है तथा वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाती है। पांचवा है प्यूपुल, यह काले रंग की छोटी रचना है, इसका कार्य आँख में प्रकाश के प्रवेश को कंट्रोल करना है। तो इसे छठा है सिलियरी मांसपेशिया, यह मांसपेशिया आँख को घुमाने का काम करती है। सातवां है रेटिना, यह आँख के पिछले भाग में पाई जाती है, इस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आठवां है एक्वस ह्यूमर, यह एक प्रकार का द्रव्य है जो आँख में पाई जाती है, इसी से आंसू ग्रंथि जुड़ी होती है।
छठा है ननौवा है विट्रस ह्यूमर। यह ग्रंथि भी आँख में पाई जाती है तथा आँख को नम बनाने में सहायता करती है। दसवा है आइडोपसिन। यह एक प्रकार का पदार्थ है जो प्रकाश और अंधकार में अंतर दिखलाता है। ग्यारहवा है रोडोपसिन। यह वैसा रासायनिक पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के रंगों की जानकारी देता है। इस तरह मनुष्य का आँख फोटो खींचने वाले कैमरे के भांति काम करता है। यह आँख को सभी जीवों से विकसित माना गया है। इस किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा इसे उल्टा प्रतिबिंब को आभासी होता है मस्तिष्क के द्वारा सीधा किया जाता है तथा वस्तु का ज्ञान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी वस्तु की दो प्रकार की गहराई होती है। पहला गहराई वास्तविक गहराई, दूसरा होता है आभासी गहराई तथा दोनों का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। याद रखना है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई बराबर अपवर्तनांक। नेक्स्ट पॉइंट है किसी समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाने पर प्रतिबिंब 2θ कोण से घूम जाता है। ऑब्जेक्टिव में अगर ध्यान से देखिएगा यदि 40° कोण से घुमाएंगे तो प्रतिबिंब 80° कोण पर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी मालूम हो तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। जैसे f बराबर r बाई टू, r बराबर 2f। यदि r दिया हो तो हम f निकाल सकते हैं, f दिया हो तो r निकाल सकते हैं। f निकालना हो तो r दिया हो तो 200 भाग कर देंगे, r निकालना हो f दिया हो तो 200 गुना कर देंगे। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की संख्या निकाली जा सकती है। प्रतिबिंब की संख्या बराबर n, n बराबर 360° बाई थीटा माइनस 1। यदि थीटा का मान 60° दिया हो, कितना भी दिया हो तो n बराबर 360° बटा 60 माइनस 1 कट करेंगे तो 6 - 1 बराबर 5 आंसर हो जाएगा। इस तरह इस सूत्र से हम n बराबर 360° बटा थीटा माइनस 1 इस सूत्र से हम समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की संख्या निकाल सकते हैं कि समतल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बना है। यदि एंगल निकल जाएगा तो सब निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशीय तंतु क्या है। प्रकाश में अनेकों प्रकार की घटनाएं होती है जैसे परावर्तन अपवर्तन। इन घटनाओं को प्रकाशीय तंतु कहते हैं। इसमें विवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण भी आता है। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट है दर्पण के लिए 1/v + 1/u = 1/f होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण तथा गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। इस तरह चैप्टर 9 का यह सेकंड वीडियो ख़त्म हुआ। चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। चैप्टर 10 का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक बच्चों के पास ये वीडियो जा पहुँच जाए और वे अपना तैयारी बढ़िया से कर पाएँ। धन्यवाद।